हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है स्पाइसी चिकन ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार डिश है ये। तो चलिए दोस्तों, बिना बात किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्पाइसी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ करीब 1 kg चिकन बड़े पीसेस में काट लिया है। 250 से 300 ग्राम मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीकी से काटा है। और इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टोमेटो काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और ये चिली सॉस लिया है। इसके बाद आता है दही। चिली सॉस और दही को दोनों को ही मैंने 2 बड़े चम्मच करके लिया है। टमेटो के जब भी आप 2 बड़े चम्मच ले लीजिए। ये रिफाइंड ऑयल है और ये है सरसों का ऑयल। और इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी। और इसके बाद आता है दोस्तों काली मिर्च, को मैंने क्रश किया हुआ है। और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। और यहाँ पर मैंने चीनी लिया है। और यहाँ मैंने ले लिया है तेज़पत्ता 2 और 1 सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई बारीकी से। हम बंगालीज़ अपने हर डिश में आलू बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो बिरयानी हो चाहे फ्राइड राइस हो। तो मैं भी इस डिश में आलू यूज़ करूँगी। इस तरीके से बड़े पीसेस में मैंने आलू को काट लिया है। और इसके बाद मैं इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने नमक और हल्दी मिक्स कर रही हूँ। मैं मिक्स करने के बाद इस आलू को मैं 5 मिनट साइड में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से नमक में मिल जाए। और इसके बाद मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। इसके लिए मैंने चिकन में डाल दिया है दही, जो मैंने लिया था वो डाल दिया है। अब इसके क्वांटिटी के हिसाब से मैं नमक डाल दूँगी। और इसके बाद दोस्तों मैं डाल दूँगी हल्दी। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें काली मिर्च पाउडर और जो हमने गरम मसाला लिया था वो अच्छे से इसमें डाल दूँगी। इन सबको, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट करीब 2 बड़े चम्मच। और जो प्याज हमने कटा हुआ लिया था वो भी हम कुछ ले लेंगे। करीब 2 बड़े चम्मच प्याज कटा हुआ हम इसमें मिला देंगे। और अच्छे से हाथ से इसको हमें मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करना कर रही हूँ मैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं जो हरी मिर्च लिया था वो थोड़ा सा डाल दूंगी और फिर से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, इस डिश की ख़ास बात ये है कि इसकी मिक्सिंग बहुत जितनी अच्छी तरीके से हो पाएगी उतना ही इसका टेस्ट बाहर आएगा। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। और फिर इसको हाथ से मिलाकर हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कर देंगे कवर। इस प्लेट से मैं इसको कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। और अब दोस्तों हमने क्या करना है, गैस को ऑन कर लेना है और कढ़ाई को गर्म कर लेना है। इसके बाद इसमें तेल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल जो हमने लिया था वो डाला है हमने। और जो दोस्तों आलू को हमने नमक और हल्दी से मिक्स करके रखा था वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे दोस्तों जब तक ये आलू पूरी तरह से पक ना जाए अंदर से। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। और आलू का कलर जो है पूरी तरीके से चेंज होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर की जैसा। इस तरीके से आलू का कलर आना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं आलू का कलर जो है बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। और ये आलू अंदर से पक भी चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आलू को निकाल लेंगे। और इसके बाद दोस्तों फिर से कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। करीब 1 चम्मच चीनी हमने डाल दिया है सरसों के तेल में। अब आप गैस की फ्लेम को जो है लो कर दीजिए, क्योंकि ये चीनी अगर जल गया दोस्तों तो आपका जो डिश का टेस्ट है वो बिल्कुल भी बिगड़ जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद चीनी का कलर जो है बिल्कुल लाल हो गया है, चेंज हो गया है और इसमें से झाग निकल रहा है। अब इसमें हमें डाल देना है वो जो तेज पत्ता सूखी मिर्च हमने लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए तेज पत्ता और सूखी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हमने प्याज डालना है, मैंने डाल भी दिया। लगभग सारे प्याज को हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। और अब दोस्तों इस प्याज में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि हमने याद रखना है कि नमक हमने मैरिनेशन में भी चिकन में डाला हुआ है। तो इसको नमक डालने के बाद हम इस प्याज को सौटे कर लेंगे। इसके बाद जो टोमेटो मीडियम साइज़ का हमने लिया था काट कर, वो हम इसमें डाल देंगे। और दोस्तों हरी मिर्च जो कटा हुआ लिया था वो भी डाल देंगे और सौटे करेंगे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ा और नमक ऐड करूंगी और इसको अच्छे से सौटे कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्याज टोमेटो है वो अच्छे से सौटे हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जितना हमारा बचा हुआ था, करीब 1.5 चम्मच। अच्छे से इसको सौटे करेंगे। और अब दोस्तों मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। और इसको अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसमें हल्दी और जो लाल मिर्च पाउडर हमने लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिला लूंगी। दोस्तों ये जो डिश है ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। दोस्तों मैंने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड किया है। अगर आपको लगे कि मसाले सूख रहे हैं तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप पानी फिर से ऐड किया है। ये देखिए, मसाले करते समय आप ध्यान रखिए गैस को मीडियम या लो पे रखें। ये देखिए दोस्तों, मसाले हमारे पक के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तेल भी बाहर आ गया है। तो अब दोस्तों हमने करना है गैस की फ्लेम को लो और जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारे चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे चिकन इसमें डाल दिए हैं और अब इसको मैं मसाले से मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम को हाई पे कर दूँगी। दोस्तों इस तरीके से चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमें कर देना है गैस की फ्लेम को मीडियम और फिर इसे हम कर देंगे कवर। अच्छी तरीके से इसको कवर करना है, ढक के पकाना है इसको करीब 15 से 20 मिनट तक। लेकिन दोस्तों बीच बीच में ढक्कन हटाकर आपको ऐसे हाई फ्लेम पे इसको नीचे से चला देना है, नहीं तो ये मसाले और चिकन जो है नीचे बैठ जाएंगे और टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। दोस्तों हमारा चिकन लगभग पक के रेडी हो गया है, तो मैं गैस को हाई फ्लेम पे रख दूंगी और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बॉईल होने दूंगी। ये जो पानी आप देख रहे हैं, मैंने जब चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया था, तो ये उसी का पानी है। और इसमें जो चिली सॉस और टोमेटो केचप लिया है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप ले लीजिए और 2 बड़े चम्मच चिली सॉस ले लीजिए और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों चिकन को जो है हम हाई फ्लेम में क्या करेंगे, चिकन को अच्छे से बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम में, ताकि इसका पानी जो है सूख जाए। पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो हम इसमें आलू जो फ्राई करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो चिकन है हमारा उसका पानी जो है थोड़ा सा सूख गया है, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। ये आलू अंदर से पूरा पका हुआ है,
तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। और इसके बाद दोस्तों हमने जो केचप मिक्स करके रखा हुआ था वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसमें हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको ढक के 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो स्पाइसी चिकन ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ गैस को ऑफ कर दूँगी और इसको सर्व कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे सैलड के साथ गार्निशिंग किया है। आप चाहे तो धनिया या पुदीने के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। इस डिश को आप दोस्तों रोटी, पराठा, फ्राइड राइस, जीरा राइस या फिर सादे चावल के साथ भी आप इस डिश को ले सकते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस डिश है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट पे कि कैसा बना है। और ये देखिए मेरे बेटे को जो खाने पे बैठा हुआ है और मुझे इशारे दे रहा है कि मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।